स्वागत है आपका इस चैनल पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि i20 की नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लॉन्च हुई है अपने सेगमेंट की गाड़ियों से। ये गाड़ी उस प्राइस में लॉन्च हुई है जिस प्राइस में आपको बहुत सारी सब कॉम्पैक्ट SUV मार्केट में मिल जाती हैं। तो इस गाड़ी का कंपेरिजन हमने टाटा अल्ट्रोज के साथ भी किया। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक है, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी का कंपेरिजन हुंडई की सब कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू के साथ करेंगे। तो आपको बताएंगे दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। i20 की लेंथ 3995 mm है जो कि वेन्यू के बराबर है। i20 की विड्थ 1775 mm है जो कि वेन्यू से 5 mm ज़्यादा है। i20 की हाइट 1505 mm जो 85 mm कम है वेन्यू की हाइट से। और रही बात व्हील बेस की, तो ये i20 का 2580 mm है जो कि 80 mm ज़्यादा है वेन्यू के व्हील बेस 2500 mm से। दोनों के डायमेंशंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाइट वेन्यू की ज़्यादा है तो इसमें आपको अच्छा हेडरूम मिलेगा, और व्हील बेस i20 का ज़्यादा है तो इसमें आपको वेन्यू कंपैरिजन थोड़ा अच्छा लेग रूम मिलेगा पीछे वाले रो में। बूट स्पेस फील्डिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो वेन्यू में आपको 45 लीटर्स की मिलती है और i20 में आपको 37 लीटर्स की फील्डिंग कैपेसिटी मिलती है। टायर साइज के बारे में बात करें तो i20 में आपको मिलते हैं 195/55R 16 inches के टायर, और वेन्यू में आपको मिलते हैं 215/60R 16 inches के टायर मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो वेन्यू में आपको मिलती है 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 20 mm ज़्यादा है i20 की ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से। इसके बाद कर्व वेट की बारे में बात करें तो वेन्यू का कर्व वेट है 1168 kg जो कि i20 कर्व वेट से लगभग 100 किलो ज़्यादा है। यहीं पर अगर बूट स्पेस के बारे में बात करें तो वेन्यू में आपको 350 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 39 लीटर ज़्यादा है i20 की बूट स्पेस 311 लीटर से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ड्राइविंग रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब एक बार फुल टैंक कराने के बाद अपनी गाड़ी को कितने किलोमीटर चला सकते हैं। तो वेन्यू को आप 788 किलोमीटर चला सकते हैं और i20 को आप 753 किलोमीटर तक चला सकते हैं। 40 किलोमीटर का बार अंतर है दोनों की ड्राइविंग रेंज में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको मैं दोनों गाड़ियों की प्राइस बता देता हूँ। तो वेन्यू की प्राइस है 6.752-11.65 लाख रुपीज़ और i20 की प्राइस है 6.792-11.32 लाख रुपीज़। दोनों के प्राइस में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। चलिए अब इन दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 2 पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं और 1 डीजल इंजन मिलता है। अब दोनों गाड़ियों के पहले पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं तो ये 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp की पावर जनरेट करता है और 115 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। दूसरा है 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 118.36 bhp की पावर जनरेट करता है और 172 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, IVT गियरबॉक्स और DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। और तीसरे इंजन के बारे में बात करें तो यह है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि 98.6 bhp की पावर जनरेट करता है और 214 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसके साथ आपको अभी तो सिर्फ और सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है, आगे जाके इसमें ऑटोमेटिक लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए अब सेफ्टी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। वो फीचर है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लॉकिंग, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरियंट में। इसके अलावा अगर मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोनों गाड़ियों के टॉप वेरियंट में आपको मिल जाती है, तो वो हैं 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद फोर्स लिमिटर, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरियंट में मिल जाते हैं मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स के नाम पर। चलिए हम ऐसे फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको i20 में तो मिल जाते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं मिल पाते। तो फीचर है 10.25 इंच की टच स्क्रीन आपको i20 में मिल जाती है जबकि वेन्यू में 8 इंच की मिल पाती है। इसके अलावा बोस के 7 प्रीमियम स्पीकर मिल जाते हैं आपको i20 में जो कि वेन्यू में नहीं मिल पाते। इसके अलावा आपको i20 में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि वेन्यू में आपको एनालॉग में ही मिल पाता है। इसके अलावा आपको i20 में फ्रंट और रियर दोनों में USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं जबकि वेन्यू में फ्रंट में ही मिल पाता है। इसके अलावा आपको i20
एलईडी में मूड लाइटिंग मिल जाती है जो कि वेन्यू में नहीं मिल पाती। तो यही कुछ ऐसे फीचर थे जो आपको i20 में मिल जाते हैं लेकिन वेन्यू में नहीं मिल पाते। अगर वेन्यू के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में आपको 60:40 स्प्लिट रियर सीट मिल जाती है जो कि आपको i20 में नहीं मिल पाती। ये कोई फीचर नहीं है लेकिन आपको सामान वामान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस रहती है। इसके अलावा आपको i20 वेन्यू में लेदर प्लस फैब्रिक कॉम्बिनेशन सीट्स मिल जाती हैं जबकि i20 में फैब्रिक ही मिल पाती है। इसके अलावा आपको वेन्यू में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और बूट स्पेस भी आपको 350 लीटर की मिलती है जो कि ज़्यादा है i20 के कंपेरिजन में। तो यही कुछ ऐसा था जो आपको वेन्यू में मिल जाता है लेकिन i20 में नहीं मिल पाता। इसके अलावा कलर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो i20 में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि फेरी रेड, टाइपन सिल्वर, मेटेलिक कॉपर, फेरी रेड टर्बो, स्टारी नाइट, पोलार वाइट विद ब्लैक रूफ, टाइटन ग्रे, फेरी रेड विद ब्लैक रूफ, जैसे कलर आपको i20 मिल जाते हैं। वेन्यू में भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो i20 एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से 6.79 लाख रुपीज़ शुरू होकर 11.32 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। और यहीं पर अगर वेन्यू के प्राइस के बारे में बात करें तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से 6.75 लाख रुपीज़ शुरू होकर 11.65 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, दोनों ही गाड़ियों लगभग बराबरी प्राइस है आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। अगर आपको ऊबड़ खाबड़ सड़कों कच्चे रास्तों में ज़्यादा जाना है, आपको बूट स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, आपको थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए मतलब इसकी हाइट हाइट भी अच्छी हो, तो आप ज़रूर वेन्यू लीजिए क्योंकि इसमें i20 से भी मतलब लगभग i20 के बराबर ही फीचर्स हैं। उसमें आपको सब चीज़ बराबर ही मिल जाता है, कुछ फ़ीचर आपको i20 में ज़्यादा मिल जाते हैं, बस थोड़े बहुत फ़ीचर्स हैं बस, बाकी आप वेन्यू ले सकते हैं। लेकिन आपको एक प्रीमियम कार चाहिए, प्रीमियम हैचबैक चाहिए, आपको SUV नहीं चाहिए, सब कॉम्पैक्ट SUV, आपको फ़ीचर भरपूर चाहिए। आपको ये मतलब आपके पास प्राइस भी है उतना जितने प्राइस में i20 लॉन्च हुई है, तो आप ज़रूर i20 ले सकते हैं क्योंकि एक फ़ीचर लोडेड गाड़ी है। आपको बूट स्पेस ग्राउंड क्लियरेंस से उतना मतलब नहीं पड़ता, तो आप i20 ले सकते हैं। ये वीडियो बस इतना, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।